आजम खान ने एक बयान दिया, उसके बाद मसला जो है बहुत ज्यादा गर्म है। बीजेपी नेता और राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा ने कहा कि देश भर की महिलाएं शर्मसार है, आजम खान का बयान वाकई शर्मनाक है। जब पूरा देश नवरात्रे में माँ बेटियों की पूजा कर रहा था, माँ बेटियों की आराधना कर रहा था, उस समय आजम खान ने जया प्रदा के लिए जिस प्रकार के शब्द के इस्तेमाल किए, ये सिर्फ जया प्रदा का अपमान नहीं था, ये पूरे भारतवर्ष की आधी आबादी का अपमान है। पर उससे भी ज़्यादा खेदजनक स्थिति ये है कि राजनीति अपनी चमकाने के लिए या सत्ता पाने के लिए इस मानसिकता के स्तर पर व्यक्ति आ जाएगा, आजम खान को तुरंत मैं सोचती हूँ कि निष्कासित करना चाहिए, उनको चुनाव लड़ने का उनका हक छीनना चाहिए, वो लोकसभा तक नहीं पहुँचे।